किशोरीलाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्मृति ईरानी को कल आपने हराया है, महत्वपूर्ण कद्दावर नेता बीजेपी की, इस जीत के बारे में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, जीत तो ये जनता की जीत और गांधी परिवार की जीत है, मैं सदा ही बोल रहा हूँ, ये उनकी जीत है। क्या मुद्दे आपको लगता है ऐसे रहे जो इफेक्टिव रहे स्मृति ईरानी के टेन्योर के बावजूद, जो वहाँ सिटिंग सांसद थी उनके बावजूद? नहीं, यहाँ पे हमने लोकल मुद्दे उठाए थोड़ा सा, जो उन्होंने मतलब बहुत चीज़ें ऐसी करी थी जो हम लोगों को लगता था कि ये मतलब ठीक नहीं बोल रही है वो, तो हमने वो चीज़ें भी जनता के बीच में लेके गए। प्रदर्शन अगर कहीं इंडिया अलायंस का तमाम रहा है, और अब जो ये बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि सिंगल पार्टी कोई नहीं है जिसको मेजोरिटी मिली है, ऐसे में इंडिया अलायंस को भी सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, आप वाकिफ रखते हैं इस थॉट से, ऐसा करना चाहिए एक बार करके तौर पर? मैं मतलब देखो चाहता तो हूँ इंडिया की गवर्नमेंट बने, ठीक है, तो अभी इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं, मतलब अपना कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगा, क्यों नहीं, हम भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा गवर्नमेंट बने। राहुल गांधी दोनों जगह से जीत गए, अब बात ये आ रही कि राहुल गांधी ऑफकोर्स एक सीट छोड़ेंगे, और अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी को उस दूसरी सीट से लड़ाया जाए। आप चाहते हैं हाउस में दिखे प्रियंका, या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी कार्यकाल जैसे वो अभी संभाल रही है ऑफिस वर्क, वैसे ही संभाला जाए? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि प्रियंका जी हाउस में है। किस सीट से चाहते हैं आप? अपनी बगल वाली सीट से, रायबरेली से, वायनाड से, मतलब वो किसी सीट से भी जाएं, उनको हाउस में होना चाहिए। किशोरीलाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्मृति ईरानी को कल आपने हराया है, महत्वपूर्ण कद्दावर नेता बीजेपी की, इस जीत के बारे में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, जीत तो ये जनता की जीत और गांधी परिवार की जीत है, मैं सदा ही बोल रहा हूँ, ये उनकी जीत है। क्या मुद्दे आपको लगता है ऐसे रहे जो इफेक्टिव रहे स्मृति ईरानी के टेन्योर के बावजूद, जो वहाँ सिटिंग सांसद थी उनके बावजूद? नहीं, यहाँ पे हमने लोकल मुद्दे उठाए थोड़ा सा, जो उन्होंने मतलब बहुत चीज़ें ऐसी करी थी जो हम लोगों को लगता था कि ये मतलब ठीक नहीं बोल रही है वो, तो हमने वो चीज़ें भी जनता के बीच में लेके गए। प्रदर्शन अगर कहीं इंडिया अलायंस का तमाम रहा है, और अब जो ये बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि सिंगल पार्टी कोई नहीं है जिसको मेजोरिटी मिली है, ऐसे में इंडिया अलायंस को भी सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, आप वाकिफ रखते हैं इस थॉट से, ऐसा करना चाहिए एक बार करके तौर पर? मैं मतलब देखो चाहता तो हूँ इंडिया की गवर्नमेंट बने, ठीक है, तो अभी इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं, मतलब अपना कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगा, क्यों नहीं, हम भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा गवर्नमेंट बने। राहुल गांधी दोनों जगह से जीत गए, अब बात ये आ रही कि राहुल गांधी ऑफकोर्स एक सीट छोड़ेंगे, और अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी को उस दूसरी सीट से लड़ाया जाए। आप चाहते हैं हाउस में दिखे प्रियंका, या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी कार्यकाल जैसे वो अभी संभाल रही है ऑफिस वर्क, वैसे ही संभाला जाए? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि प्रियंका जी हाउस में है। किस सीट से चाहते हैं आप? अपनी बगल वाली सीट से, रायबरेली से, वायनाड से, मतलब वो किसी सीट से भी जाएं, उनको हाउस में होना चाहिए।